आप सभी को स्वागत है फिर से एक बार स्पोटलिया यूट्यूब चैनल के और एक धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से जुड़े कुछ लेटेस्ट ऑफिशियल ट्रांसफर न्यूज़ और कुछ लेटेस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से जुड़े निकाला हुआ न्यूज़ के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपना पहला दुरन कप का मैच अपना रिजर्व टीम के साथ उड़ीसा एफसी के साथ खेला है और वहां पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 6-0 के एक बहुत बड़ा स्कोर लाइन से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को उड़ीसा एफसी के अगेंस्ट हार स्वीकार करना पड़ा। और उसी मैच के दौरान नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैनों ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुआ भी दिखाई दिया और वहाँ पे फैनों ने कहा कि मेक फैन नॉट कस्टमर। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जो फैन है उन्होंने मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है स्टेडियम में। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से जुड़े कुछ ऑफिशियल ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने बहुत सारा अपना पुराना खिलाड़ी को ऑफिशियली रिटेन किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोलकीपिंग लाइनअप में। गोलकीपिंग में रिटेन हो चुका है मिर्सात मिसू और निखिल लेखा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इन दोनों को रिटेन कर चुका है और सुभाषिस रॉय चौधरी और संजीवन घोष इन दोनों को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी रिटेन नहीं करने वाला है। सुभाषिस रॉय चौधरी ऑलरेडी एस सी बंगाल में ज्वाइन हो चुका है, मैंने इसे पहले अपडेट दिया था, और संजीवन घोष का भी पता नहीं है। तो इन दोनों को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ऑफिशियली रिटेन कर चुका है। डिफेंडर की बात करें तो तंदम्बा सिंह रिटेन हो चुका है फिर से। उसके बाद मसूर शरीफ जो जोहरा रिटेन हो चुका है। प्रभात लाकरा गुरजिंदर कुमार ये सभी डिफेंडर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में फिर से एक बार रिटेन हो चुका है। उसके बाद अगर मिडफील्ड के बारे में बात करें तो प्रज्ञान मेधी इमानुएल प्रज्ञान गगोई मोहम्मद इरशाद इमरान खान इन चार खिलाड़ियों को मिडफील्ड में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में रिटेन किया है। और उसके बाद अगर अटैक में बात करें तो खिनी निगम डानमोविया और रोसारा को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपने टीम में रिटेन किया है। और उसके बाद अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के और एक डिफेंडर जस्टिन जॉर्ज उनको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अभी तक रिटेन नहीं किया है। शायद जस्टिन जॉर्ज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ कंटिन्यू करने वाला नहीं है। अटैक का प्लेयर मनीष सिंह को भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अभी तक रिटेन नहीं किया है। अभी तक मतलब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी शायद मनीष सिंह और जस्टिन जॉर्ज को रिटेन करने वाला नहीं है। और इन सभी को ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी पुराना खिलाड़ी को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने रिटेन किया है। और अगर फॉरेनर प्लेयर की अगर रिटेन के बारे में बताएं तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में शायद कोई भी फॉरेनर प्लेयर रिटेन नहीं होगा। शायद फेडरिको गायगो भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में इस बार रिटेन नहीं होगा, ऐसा ही लग रहा है। और अगर ऑफिशियली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जिथिन एमएस को आज ऑफिशियली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने टीम में अनाउंसमेंट किया है, एक बहुत ही बेहतरीन साइनिंग कह सकते हैं आप सभी। पिछले साल जिथिन एमएस ने आई लीग जीत कर आया है, एक बहुत ही अनुभव अटैकर है और एक बेहतरीन साइनिंग कह सकते हैं आप सभी जिथिन एमएस को। तो यही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से जुड़े लेटेस्ट न्यूज़। और आप सभी आईएसएल से जुड़े न्यूज़ पाने के लिए स्पोटलिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जुड़े बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।